हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह एंड वाचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों का और बड़ों का ऑल टाइम फेवरेट फ्राइड चिकन, जो कि हम बिल्कुल केएफसी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। मैंने लेग एंड थाइस लिए, किलो लिया हुआ मैंने, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। बेसिकली ब्राइनिंग जो होती है सिंपल मेथड है, हमने चिकन में फ्लेवर डालना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और जूसी बने। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पानी लिया हुआ है, एक कप है, आप डेढ़ कप भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चिकन। ये मैंने सिरका लिया हुआ है, नमक और लाल मिर्च। अब हम चिकन लेंगे एक बाउल में और उसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैं डाल रही हूँ सिरका, डाल रही हूँ ये 2 चम्मच के करीब है। अब ऐड करेंगे ये 1-1 चम्मच, मैंने मिर्ची ली हुई है और नमक, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जो मसाले सारे इसमें मर्ज हो जाएं। अब पानी ऐड करेंगे, पानी आप चिकन के हिसाब से ऐड करिए ताकि वो डिप हो जाए उसमें और मसाले अच्छे से उसमें मर्ज हो जाएं। ये अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको, ये अच्छे से डिप हो गए हमारे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आप चाहें तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ। अच्छे से कवर कर दीजिए। अब हम इसको 1 से आधा घंटे के लिए रखेंगे और तब तक हम दूसरा मिक्सचर तैयार करते हैं। तो चलिए, बाकी मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या क्या चाहिए। हमें 2 और मिक्सचर बनाने हैं। अब हम सेकंड मिक्सचर बनाएंगे ड्राई फ्लावर, और उसमें चाहिए हमें मैदा, 2 कप मैदा लिया है। ये अनियन पाउडर है, मार्केट में अवेलेबल है। गार्लिक पाउडर, ये भी मैंने 1-1 चम्मच लिया हुआ है। काली मिर्च और लाल मिर्ची पाउडर। पहले हम बाउल लेंगे, बाउल थोड़ा बड़ा ही लीजिए क्योंकि हमने इसमें डिप करना है, वो चीज़ें को मिक्स करना है अच्छे से। ये मैंने मैदा डाल दिया है, अब काली मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ अब मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा सेकंड मिक्सचर भी रेडी हो गया, अब इसको हम साइड पर रखेंगे। अब थर्ड मिक्सचर बनाएंगे हम। इसके लिए चाहिए हमें मैदा 2 कप, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच ही अनियन पाउडर चाहिए, इसमें हमें सोडा चाहिए वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एग, नमक और लाल मिर्ची पाउडर। इसके लिए भी हमें बड़ा बाउल चाहिए, इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। इसका हमने बैटर बनाना है। मिर्ची डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, नमक, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, दोनों 1-1 चम्मच लिए मैंने। मिक्स मसाले जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम ही हैं, जो हमने सेकंड वाले में डाले थे वही हम थर्ड वाले में डाल रहे हैं। बस इसमें हम सोडा और एग ऐड करेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ये लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब हम ऐड करेंगे सोडा, इसका बैटर बनाना है हमने। आप सोडा अपने अकॉर्डिंग डालिएगा ताकि बैटर बन जाए, ज़्यादा थिक नहीं करना हमें, रनिंग चाहिए थोड़ा। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एग, मैंने 1 एग लिया हुआ है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। ये हमारा थर्ड मिक्सचर रेडी हो चुका है। बस इसमें मैं ऐड करूँगी कलर, फूड कलर डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है।
थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये भी हमारा थर्ड मिक्सचर भी रेडी हो गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर की। ये जो हमने पहले ब्राइनिंग किया हुआ था चिकन को, अब हम इसको पानी निकाल के जो हमारा थर्ड बैटर है उसमें ऐड करेंगे। अब इसमें से सारा हम निकाल देंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, पानी नहीं हमें चाहिए बिल्कुल। आप इकट्ठा भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, मैं सारे इकट्ठे ही डाल रही हूँ। ये जो थर्ड बैटर था ये उसमें डाल रही हूँ मैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब इसको जो हमने थर्ड मिक्सचर है उसको हम जो सेकंड मिक्सचर था बनाया ड्राई फ्लावर का, अब उसमें ऐड करेंगे। एक एक उठा के आप करिए ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए उसकी। मैदे की कोटिंग करनी है हमने इसके ऊपर। इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जितनी ज़्यादा मैदे की कोटिंग होगी उतना ज़्यादा क्रिस्पी होएगा ये। ऐसे प्रेस करेंगे। और ये हमारे रेडी हो गए। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने तेल रखा हुआ था, ये गर्म हो चुका है, तो चलिए फ्राई करते हैं इसको। मैं आपको तीन चार फ्राई करके दिखाती हूँ। ये ऐसे करना, सारे डाल देंगे हम। और इसको 4-5 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं हिलाना, नहीं तो वो निकल जाएगा, ख़राब होएगा, फिर टूटेगा। अच्छे से पकने देना पहले इसको, फिर हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। ये हमारा हो गया, मैं निकाल देती हूँ और आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके साथ डिप रखी है, सॉस और फ्रेंच फ्राइज। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, KFC स्टाइल चिकन। ये देखिए कितना जूसी लग रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।